अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज कुर्बानी के इस मसले में हम और आप जानेंगे कि हामला जानवर की कुर्बानी करना कैसा है। तो आइए बिला ताखीर वीडियो की शुरुआत कर ली जाए। हामला जानवर की कुर्बानी जायज़ है और उसके पेट का बच्चा हलाल है। सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हमने पूछा, या रसूलल्लाह, हम ऊँटनी को जबा करते हैं और गाय और बकरी जबा करते हैं, तो हम उसके पेट में बच्चा पाते हैं, क्या हम उसे फेंक दें या खा लें? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो खा लो, इसलिए कि उसका जबा करना उसकी माँ का जबा करना है। दूसरा सवाल है, क्या हामला बकरी की कुर्बानी दुरुस्त है? तो आइए जवाब की तरफ चलते हैं। हामला बकरी की कुर्बानी जायज़ है, जैसे गैर हामला की कुर्बानी दुरुस्त है, बशर्ते के वो अयूब से पाक हो, यानी ऐबों से पाक हो, जिनसे कुर्बानी के जानवरों का पाक होना लाजिम है। हामला जानवर के पेट का बच्चा अगर हामला जानवर के जबह के बाद मुर्दा हालत में पाया जाए तो बिल इत्तेफाक हलाल है, लेकिन अगर हामला जानवर के जबह के बाद जिंदा हो तो उसे जबह करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुस्तकल अलीहिदा नफ्स है जिसे खाने के लिए उसको जबह करना लाजिम है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हामला जानवर की कुर्बानी के इस मसले में फ़िलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।